नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज रोजगार से जुड़े समाचार में हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पटना हाईकोर्ट ने पुस्तकालय सहायक के 20 पदों के लिए आवेदन की मांग। यदि आपकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण है तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में पुस्तकालय सहायक के 20 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। भर्ती का विवरण के लिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिए। भर्ती संगठन का नाम पटना उच्च न्यायालय पटना। जिस पद के लिए भर्ती की जानी है उस पद का नाम पुस्तकालय सहायक यानी लाइब्रेरी असिस्टेंट है। जहां तक इस पद के लिए रिक्तियों की संख्या की बात है तो वह कुल मिलाकर 20 है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह भर्ती विज्ञापन पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर 7 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया है। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। अगर इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो 1 जनवरी 2022 को अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी संकाय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके साथ ही लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा के साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी पास होना जरूरी है। अगर इस पद के लिए वेतनमान की बात की जाए तो चयनित अभ्यर्थियों को मासिक वेतन ₹19,900 से 63,200 के वेतनमान के अनुसार दिए जाएंगे। जहां तक आवेदन शुल्क की बात है तो अनरिजर्व्ड बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क के रूप में ₹1,000 लिए जाएंगे तो एससी, एसटी, ओएच के लिए केवल ₹500 आवेदन शुल्क लिए जाएंगे। आवेदन कैसे करें? इच्छुक अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले इस भर्ती विज्ञापन की विस्तृत जानकारी पटना उच्च न्यायालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर प्राप्त कर ले। जो अभ्यर्थी इस पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं वो पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक या इस वीडियो के इसी पेज पर दिए गए वेब लिंक का उपयोग करके कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए पटना हाईकोर्ट.gov.in पर जाकर जरूर प्राप्त करें।